थी, शक्ल दिखाया भाई। तो जो जीरो फिगर जो पहली बार ग्वालियर में यूज़ हुई थी, जो कह सकते हो कि उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जो लिखा था, वो इसी मंदिर में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ये लाइन दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें, इट अ फिगर ऑफ जीरो इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूज प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्वालियर रीजन। दैट टेम्पल वाज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रतिहारा किंग भोजदेवा इन 876 AD। एनाटॉमी आ गया, आ गया। यहाँ लिखा हुआ ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो इन ग्वालियर रीजन, मतलब जीरो सबसे जो पुराना जीरो है ग्वालियर के अंदर, वो यहीं दिखेगा तुम्हें कि सबसे पहले ग्वालियर में जीरो कहाँ यूज़ हुआ है। ये वो मंदिर इसी के अंदर दिखेगा, ग्वालियर के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हुआ था। ये उसका पूरा टेम्पल है। नहीं भाई, जीरो सबसे पहले पाकिस्तान में यूज़ हुआ है, तक्षशिला में दिखेगा तुम्हें। अपन मंदिर में जीरो ये देखो, ये टेम्पल है चतुर्भुज टेम्पल, वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु भगवान जी। और यहाँ पर जो भी क्रिप्टोग्राफी की गई है, जो भी पजल सॉल्विंग की जो समझाया गया है, वो हमारे समझ से बाहर है। वो आर्कियोलॉजिस्ट आपको समझा सकते हैं। तो आप थोड़ा अंदर का तो डिप्लीट, तुम चेहरे देख रहे होगे ना, यहाँ के चेहरे देख रहे होगे ना, ये सब डिप्लीशन हो चुका है पानी के बाफ के कारण। पानी बहता है, ये जब काला काला दिख रहा है तुम्हें, पानी के बहरे के कारण है। ठीक है, बस पॉज कर। प्रतिहार रूलर नीचे ले तो फिर घूम, पैनोरामा बनाऊंगा। पैनोरामा ठीक है, अब आने के गाइस, यार एक मानसिंह पैलेस, हमारे एक मानसिंह पैलेस ग्वालियर के किले का सबसे ज़्यादा शानदार जगह है। इसी के जस्ट नीचे भूल भुलैया है, जहाँ पर मुगल लोग अपने कैदियों को रखते थे मारने के लिए। और ये बेसिकली है ना, 1400 के बाद जेल की तरह यूज़ की गई थी औरंगजेब शाहजहाँ के द्वारा। आज आप हमें आपको बता रहे हैं, कई सारी रानियां, हाँ महाराज की लीलाएं। अच्छा, पीछे लीलाओं का जोन था, ये भी आपको दिखाते हैं। इधर से देखो प्रथम, चलो आ जा, दिखाते हैं लोगों को क्या लीलाओं के लिए, मतलब गान का और वीडियो भी चला सकता है ना, और वाले ये वाली रानियां। अच्छा, ये अपना पकड़ियो प्रथम ब्रो, तुम भी आओ ना वीडियो में। आ रहे ना, इसको सेल्फी मोड पे लेंगे, तुम समझा तो पहले यार। जी, जब ना रानियों के केंद्र था, जब रानियां बैठी रहती थी और महाराज कहते थे इधर आओ इधर आओ इधर पूरा, अगर ये घर वाले देखेंगे ब्लॉग फिर। हाँ भाई, चमगादड़ की वधू, जालियां लगी है। यार तुमने अच्छे से तो समझा दिया, पर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे यार, भूल भुलैया में चले? हाँ चल, ये डर रहा, चल रहे चल रहे हैं। भूल भुलैया पहले पार्टी दोस्त भी देंगे। भूलो रही है मैं यार, चमगादड़ तो बहुत है यार, यहाँ बदबू ही बदबू है। हम किधर आ गए हैं? हम भूल भुलैया, भूल भुलैया नीचे है, भूल भुलैया नीचे है, नीचे है। हाँ नीचे जाना पड़ेगा हमें, इसके नीचे ही है ना। जमीन के नीचे 100 फीट है। हाँ,
बेटा दिख भी नहीं रहा यहाँ पे अंधेरे में। जो भी है ना आने तो दे। अबे ये बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। अरे हाँ यहाँ बेड़िया भी तो बनी थी। यहाँ पे देख बंदे दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ। पे ना कैदियों को लगा के फांसी देते थे, मार देते थे, शुरू कर देते थे। अच्छा। स्वागत के लिए ना रानी को कॉल करने के लिए बनाया गया था। इधर से अगर आवाज लगाई जाएगी ना उसी रूम में जाएगी थी आवाज। हम भी हंस तक नहीं नीचे। भाई इतना नीचे तो मैं भी नहीं गया डर के मारे कभी। मैं आया हूँ। हाँ पीछे का ही निकल जाती है भूल भुलैया। क्या डिजाइन है ये? किस चीज का डिजाइन है ये? भाई कुछ ना कुछ तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। अगर मैं इस व्लॉग को पार्ट में डालूं तो किसकी मई है यहाँ पे? ब्रो तू समझाएगा यहाँ पे क्यों? अपन चलते चले यार चल। तू मैं आगे नहीं चल रहा हूँ अब वीडियो पर आगे चलते थे बस। चल तू डर गया? नहीं तू नहीं डरा नहीं हूँ। तो ऐसे चलते हुए जाता है ऊपर की तरफ जाते हैं भाई। सीढ़ियाँ नहीं दिख रही मेरे। हाँ काफी अंधेरा रहता है यहाँ ऊपर से। जूते बड़े बड़े हैं सारे। ये रास्ता बाहर आने का। चलना बाहर भूल भुलैया है के। वापस नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। तारे हैं क्या? वो बिजली के तारे यहाँ पे भी। चल ये रास्ते तुम्हारे पड़े हैं क्या? नहीं क्या आया ऊपर दे रो। क्या है ये? लगता है कुछ आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए हो है। तो हम ऊपर आ गए और ऋषभ मेरे पीछे पीछे आ रहा है। क्यों ऋषभ मजा आ गया? तो मजा आ गया। मुझे तो कोई मजा नहीं आया। चल धक्का मुक्की देते हुए जा रहा है। मैं बता रहा हूँ गुस्सा आ रहा है मेरे को। तो आ गए हम लोग बात मानसिंह पैलेस के सामने है। यहाँ पे शाम के समय लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में है। ठीक है ये पीछे ये कलर इसलिए किए गए हैं ताकि सुंदर दिखे लाइट। कॉर्ड से मिक्स करके बनाए गए हैं। पर हम अब किधर जा रहे हैं? अब हम यहाँ पे आपको ग्वालियर का एक और व्यू दिखाते हैं। नहीं इसके बाद कहाँ जाएंगे? सहस्त्र बहु मंदिर। हाँ और उसका रास्ता ठीक सामने है। हम आए थे पहले घूम के आए थे तो टिकट नहीं था। आप टिकट ले लिया अब जाएंगे? हाँ टिकट भी ले लिया है। फालतू में घूम गार्ड नहीं भगा पाएगा। चल भगाता था हमको। तुम पीछे का व्यू देखो यार ये दिखाएगा ऋषभ। ऋषभ दिखा के दूसरे पॉइंट हो जा रहे हैं। यहाँ से लोग सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं। है सही में ये सुसाइड पॉइंट है। सुसाइड पॉइंट बहुत हो गए। ट्रेन की आवाज आ रही है। सामने स्टेशन भी दिख रहा है मेरे को। आधा ग्वालियर दिखाई देता है। दूसरे गाने की खाब नहीं 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 भाई सिंगर वही है। हिंदी में है उस गाना। सिंगर अकेले नहीं है। अकेले ही है? नहीं है। अच्छा यहाँ हम खड़े हैं
जगह का नाम है शास्त्र बाहु। शास्त्र बाहु का मतलब होता है हजार हाथों वाला, ठीक है। इसको समय के साथ शास्त्र बाहु का मंदिर कहने लग गए, लेकिन जो बड़ा वाला देखो वो खास का है, छोटा वाला दिखाओ वो बाहु का मंदिर है, ठीक है। 1093 में ये बना है, रतन पाल ने बनाया था, ठीक है, रतन पाल ने ये बनाया था और महीपाल ने इसको कंप्लीट कराया था। फ्लोरल डिजाइन दिखेंगे, फ्लोरल डिजाइन कार्ड करे गए थे 1093 में। ये बेसिकली कहते हैं साथ में विष्णु भगवान का मंदिर, ठीक। अब बाहर से सीन दिखाते हैं, पहले अंदर चलते हैं। आया ब्रो, मैं आगे चल चलो। यहाँ पे तुम पीछे कर, ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा मिथावली पदावली से मैच खाते हुए दिख रहे होंगे, ऊपर भी चढ़े दिखाओ थोड़ा ऊपर का, चलाएं चलते हैं। और ये दिखाओ, देख रहा है ब्यूटी, अपन चप्पल पहन के तो जा रहे हैं। मुझे भी दिखा दो। तो ये जो देख रहे हो चेहरे समय के साथ डिप्लीट हो गए हैं, पर ये जो मूर्तियां हैं सब भगवान की मूर्ति हैं, सारे सारे भगवान यहाँ पे। और यहाँ से सामने बहु का मंदिर भी दिखेगा तुम्हें, ये XIDC की कॉपी है, बस साइज में छोटा है, ठीक है। ऋषभ बताएगा, तो ऋषभ हाँ बताना भाई। तो वो सास जी का मंदिर था, तो और ये हमारा बहू जी का मंदिर है। कौन सा? ये पीछे वाला ना, और वो सास का था और ये बहू का है। बहू जी का मंदिर सारे डिजाइन सेम है, ये देख सकते हैं। और ये ऊपर का डिजाइन है, बस बंद कर। अपन लोग पैदल आते आते थक गए, डिप्रेशन आ गया अभी तक चलते चलते। कहाँ से कहाँ तक चले? 4-5 किलोमीटर तो चल चुके हैं, है वो भी वहाँ से सास बहू के मंदिर से अभी यहाँ तक। भाई पैदल दिमाग खराब हो गया, वो घूम के सामने गुरुद्वारा और ये तेली का मंदिर। भाई तेली के मंदिर पे हम सब बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे भीड़ नहीं है, लिटरली यहाँ पे कोई नहीं आता। फिर भी हम तो आ गए, आप लोगों को दिखाना है ना। तो ये क्या है भाई, बताना। तेली का मंदिर है। कुछ लोग थे जो तेल का व्यापार करते थे, उनके नाम पे है ये मंदिर। तेली का मंदिर, वो मेन सरसों का व्यापार करते थे, उनके तेल का व्यापार करते थे, तो उन लोगों को तेली कहते थे, तो उनका मंदिर है ये, उन्होंने बनवाया है ये मंदिर। तो प्रथम आपको ये पूरा मंदिर घुमाने वाला है। अरे भाई मैं थक गया यार, मैं घुमाऊंगा क्या? तू थक गया? हाँ, वीडियो ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है, अब खाना खाने जाएंगे, लंगर खाने जाने हैं। कहाँ पे? गुरुद्वार दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे, वहीं लंगर खाने जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग भी आ सकते हो लंगर खाने, 24 घंटे लंगर चलता है, सेवा भी कर सकते हो। गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदी छोड़, ठीक है। वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू। दूरदर्शन का एनालॉग टावर, एक ही टावर है पूरे ग्वालियर में दिखता है, यही टावर, ठीक है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होता है। और इसके बगल में दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे, ठीक। इसके अंदर वीडियो बनाना मना है, तो अंदर दिखा नहीं सकते, वैसे तुम लंगर खाने आ सकते हो यहाँ पे।
24 घंटे चलता है, सेवा करने भी आ सकते हो, गाड़ियाँ भी चलती है सेवा की। बम बम। तो हम खाना खा के आ गए, चलती का नाम है गाड़ी, लंगड़ खा के आ गए। हाँ भाई मजे आ गए। क्या था लंगड़ में? छोले चावल दाल रोटी। याद रखो यहाँ पे रोटी को प्रसादा कहते हैं, चाय को चा कहते हैं और छोले कहते हैं। हाँ, और अपने बर्तन भैया खुद ही धोना। हाँ नहीं तो गाली खाओगे तुम। हाँ मतलब में हाँ दूसरों के धो सकते तो धो दो, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अपने तो धोना ही धोना, ठीक है। तुम्हें गुरुद्वारा अब वापस जा रहे हैं, गुरुवाई गेट पे वापस जाते हुए, गाड़ी नीचे खड़ी है, पेट्रोल ख़त्म है उसका। अभी पता नहीं कैसे धक्का मार के लेके आएंगे या लिफ्ट मांग के नीचे जाए, पता नहीं कह नहीं सकते। और कुछ कहना चाहता है अपना आने वाला ब्लॉग कब किस बारे में होगा पता है? शायद ग्वालियर शहर के बारे में हमारा अगला ब्लॉग होने वाला है। ग्वालियर शहर में बहुत कुछ है अभी देखने को, देखा ही क्या है। हाँ